કેમ છો? મજામાં? કેમ છો? કેમ છો? મેં સંજીવ ગુજરાત સે હું, ઓર જો સર ને બતાયા ગાંધીજી ને જો દાંડી યાત્રા કી થી, વો દાંડી યાત્રા કા લાસ્ટ સ્ટોપ જો હૈ દાંડી, વો નવસારી સે હૈ, ઓર મેં વહીં સે આ રહા હું. મેરે લિયે 2020 મેચ મેં લાસ્ટ ઓવર ખેલને કો આઈ હૈ, તો મેં 6 બોલ મેં જલ્દી સે રન લગા લું, પર મજા આયેગા. બેસિકલી મેં પ્રિન્સિપલ હું સ્કૂલ મેં, મેરે ખ્યાલ સે આજ તક રહુંગા, કલ સે પ્રિન્સિપલ નહીં રહુંગા. ઓકે, પર હા સમજને વાળા સમજ જાયેંગે. ઓકે, દો તીન બાતે કરની હૈ મુજે. જૈસે સર બતાતે હૈ કે વો 24 સાલ સે 22 સાલ સે નેટવર્ક બિઝનેસ મેં હૈ, મેં ભી હું 22 સાલ સે 23 સાલ સે નેટવર્ક બિઝનેસ મેં હું. સર હૈ કે જો પૂરી ઇન્ડિયા મેં ફેમસ હૈ, લાખો કા ટર્નઓવર કિયા હૈ, મેં પૂરી તરહ સે નિષ્ફળ હું, ફિર ભી આપ લોગો કો લગતા હોગા, કઈ લોગો કો લગતા હોગા, એક ને ના બોલા, દૂસરે ને ના બોલા, તીસરે ને ના બોલા, આપ હાર સકતે હો. મેં 22 સાલ હારા હું, 22 સાલ, ફિર ભી મેં ટીકા રહા, ઓર આજ આપકે સામને ડાયમંડ હું. એક ભી મેરે ઘર મે કોઈ પ્લાન દિખાને આને વાલા હો, તો મેં મેરે ઘર કે નજદીક મે મંદિર હૈ વહાં ચલા જાતા હું. કિસી કો એન્ટ્રી નહીં હૈ પ્લાન દિખાને કી, સમજે? યે તો અચ્છા હૈ, ફેસબુક થા, વોટ્સએપ થા, કે મેને ફોર્મ જોઈન કર લિયા. ઓકે, તો પહેલી વાત, કભી ભી, કભી ભી, નેવર એવર, કભી ભી હાર મત માનો. જબ તક આપકી લાસ્ટ સાંસ હૈ, પૂરી દુનિયા આપકે ઉપર સે ચલી જાય, ફિર ભી ખડે હોકર બોલ દો, આઈ એમ અ ડાયમંડ. दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं चाहूं, मैं प्रिंसिपल हूं, टीचर हूं, तो कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा ही. आजकल अलग सी बात है, पहले गुरु देवो भव हुआ करता था, आजकल विद्यार्थी देवो भव होता है, वो अलग बात है. पर मैं आज एक और भी बात सिखाना चाहता हूं. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक हमारा बायोनरी प्लान है, एक लेग अपलाइन चलाएगी, दूसरा लेग मैं चलाऊंगा, यही है ना? कई लोग यही दिमाग में लेके बैठते हैं. मैं आपको एक मजे का उदाहरण देता हूं, एक लेग को डेवलप करने में क्या हालत हो जाती है. आजकल फेमस है पुष्पा, झुकेगा नहीं सारा. ओके, पुष्पा की बॉडी फिगर कैसी थी? ओके, ऐसी थी ना, यही हो जाएगी हालत. और ऐसे ऐसे घिसड़ते घिसड़ते चंपल भी निकल जाएगी. तो बी केयरफुल, ऐसा कभी मत सोचो कि ये दो लेग में से एक ही लेग मेरी है, दोनों लेग हमारी है, दोनों लोग लेग को डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी है. ओके, तो बस ये दो ही लेसन मुझे दे रहे थे. मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अजय सर का, वीकेंड का सबसे ज्यादा थैंक यू मैं बोलूंगा विशाल सर का, क्योंकि कहाँ गए विशाल सर? ओ सर, थैंक यू सर. मैं मेरी टीम को लेके 3 तारीख को सुबह 3 बजे निकल चुका था, हमारी ट्रैवलिंग चालू थी, और बीच में मेरी टीम में दो और स्टार है, वो एक के फादर की डेथ हो गई, मथुरा में थे हम लोग मेरे ख्याल से, और जो दोनों फ्रेंड थे, एक फ्रेंड के फादर मदर ने मुझे बताया कि सर
आप लेके गए थे, आपकी जिम्मेदारी। ये दोनों बच्चे घर वापस आने चाहिए और आपको उनको छोड़ने आना पड़ेगा। मजे की बात है, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है। ओके, मैं फंसा, अभी जाऊं कि ना जाऊं, रिटर्न जाऊं कि ना जाऊं, मथुरा तक आ चुके थे और अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने विशाल सर को फोन किया, मेरे ख्याल से 12 बज चुके थे। ओके, 12 बजे मैंने विशाल सर को फोन किया कि सर सिचुएशन ऐसी है, मुझे मेरी पूरी टीम को लेके वापस जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ बंदोबस्त करते हो, ये जो दो बंदे हैं उसको बाय प्लेन अगर हम नवसारी पहुंचा दे तो मैं मेरी बाकी की टीम को लेकर यहाँ फंक्शन में आ सकता हूँ। ओके, और हर बार की तरह विशाल सर ने फिर से आधी रात को, आप सोचिए क्यों नेटवर्क करना चाहते हैं, सॉरी क्यों नेटवर्क करना चाहिए, हम बार बार बोलते रहे क्यों नेटवर्क करना चाहिए। मैं अजय सर को जानता नहीं हूं, मैं विशाल सर को जानता नहीं हूं, रात को 12 एक बजे ये आदमी मेरी हेल्प के लिए, मुझे देखा तक नहीं है, फिर भी मेरी हेल्प के लिए तैयार बैठा है कि आप आदमी भेजो मैं करता हूं। बोले क्यों क्यों नेटवर्क करना चाहिए, इसी वजह से थोड़ा झूठ हमको बोलना पड़ा, विशाल सर को समझाया कि सर वहां पर बोल दो ये है, पर वो दोनों लड़के वापस चले गए और मैं मेरी टीम के साथ यहाँ आया। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे लिए 6 बॉल ही थे। ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं कभी भी सीरियसली पढ़ाता नहीं हूं। मेरे क्लास में धमाल रहती है, मेरे क्लास में स्माइल रहती है, हंसी मजाक सब रहता है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, गो वी कैन।